सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आपका टॉप से टुडे चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि खबरों के दम पर इस स्टॉक में देखने को मिलेगी बड़ी तेजी। ये खबर है जुपिटर स्टॉक, जहां पर कंपनी से रिलेटेड एक न्यूज निकल कर आई है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस न्यूज से के आ जाने के बाद स्टॉक के प्राइस पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है और फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले जानते हैं कंपनी से रिलेटेड न्यूज। तो न्यूज ये निकल कर आई है कि जुपिटर वैगन शेयर इन फोकस आज फॉर बैक्स आरएस 100 करोड़ ऑर्डर फॉर डबल ट्रेकर ऑटोमोबाइल कैरियर्स। तो कंपनी को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है, लगभग 100 करोड़ रुपए का। तो कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव न्यूज निकल कर आई है, जिसके बाद अगर आज के दिन हम देखें तो स्टॉक प्राइस में भी लगभग 12 रुपए की तेजी देखने को मिली है और ये स्टॉक 3.5% से भी ऊपर की तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि आपने देखा कि कंपनी से रिलेटेड एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज निकल कर आई है। अगर हम कंपनी के रिटर्न्स की बात करें तो स्टॉक में पीछे के एक सप्ताह के अंदर 11.5% की रिटर्न्स दिए हैं, तो वही एक महीने में 2.5%, 3 महीने में 13%, 6 महीने में 96% और 1 साल के अंदर 297% से भी ऊपर के रिटर्न्स देखने को मिले हैं। तो लगातार देखिए तो इस स्टॉक के ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। स्टॉक का चार्ट पैटर्न भी देखिए तो स्टॉक में एक टॉप था 407 रुपीज, 407 रुपीज के स्टॉक में एक हाई था और काफी टाइम से स्टॉक ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। अब स्टॉक देखिए तो एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है, जहां पर स्टॉक में नीचे का एक सपोर्ट लेवल है अराउंड 292 रुपीज। 292 रुपीज स्टॉक में दो बार सेम प्राइस टच करने के बाद ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक अपसाइड मूव देखने को मिले। स्टॉक में एक रुकावट रेंज है 365 रुपीज, स्टॉक उसके पास ही ट्रेड कर रहेगा। स्टॉक एक बार 365 रुपीज के प्राइस को ब्रेकआउट देकर तो स्टॉक में एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। स्टॉक में जो फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिलेगा वो 411 रुपीज के बाद देखने को मिलेगा। स्टॉक एक बार 411 रुपीज के प्राइस को ब्रेकआउट देखकर सपोर्ट लेवल ले लेता तो वहां से स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए एक बड़ी तेजी दिखा सकता है। अगर आप इस स्टॉक में पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 330 रुपीज के एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के टारगेट अराउंड 411 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। पीछे के 4 दिनों से लगातार स्टॉक में एक अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है, इसलिए एक स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बनाए और लॉन्ग टर्म का व्यू रखें, वहां पर एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।